हाय अगेन। तो जैसे कि हमने वहाँ पे छोड़ा था कि हम डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, हमने औरंगजेब तक पढ़ा था कि औरंगजेब के टाइम पे वैसे क्या प्रॉब्लम्स थे जिनकी वजह से मुगल एम्पायर डिक्लाइन की तरफ गया। आज हम पढ़ेंगे फॉलोइंग द रेन ऑफ औरंगजेब, कि औरंगजेब के टाइम पे भी थोड़ा बहुत जो लोग आ गए थे जिन्होंने अटैक किया एम्पायर को और जिसकी वजह से डिक्लाइन हुआ, और उसके बाद जो औरंगजेब के सक्सेसर्स थे, ठीक है, जो लोग औरंगजेब के बाद आए, उन्होंने कैसे ऐसी क्या चीज़ें की और ऐसे क्या प्रॉब्लम्स हुए जिनकी वजह से मुगल एम्पायर डिक्लाइन की तरफ गया। अच्छा, अगर 4 मार्क्स के क्वेश्चन की बात करें हम, तो जो जब तक हमने पढ़ा है तुम लोगों के पास ये क्वेश्चन आ सकता है कि हु वर मराठास, या फिर व्हाट वाज बंसबदारी सिस्टम, व्हाट वाज जिजिया टैक्स, हु वाज औरंगजेब, व्हाट वाज दीन ए इलाही, हु वाज शाहजहां, इस तरीके से 4 मार्क के क्वेश्चन। और अगर हम 7 मार्क्स की बात करें तो वाई मुगल एम्पायर डिक्लाइन ड्यू टू द पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब, हाउ औरंगजेब वीकेंड द मुगल एम्पायर, ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चंस को जहन में रखना। और अब जब हम पूरा कर लेंगे तो फिर मैं उस हिसाब से और बताऊंगी कि और किस तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। अच्छा, औरंगजेब के बाद लाइक वी हैव स्टडीड कि एम्पायर तो ख़त्म नहीं हुआ, एम्पायर 150 साल तक चलता रहा, लेकिन कैसे चला बहुत प्रॉब्लम से और लिंग लिंग के चला। इतने सारे एम्परर्स थे जो औरंगजेब की डिक्लाइन के औरंगजेब के बाद औरंगजेब की डेथ के बाद 1707 के बाद आए। प्रिंस मुअज़्ज़म आए, 4 बेटे थे औरंगजेब के, उसने चारों में एम्पायर डिवाइड किया, पर किसी को एक हिस्सा नहीं चाहिए था, चारों को पूरा पूरा एम्पायर चाहिए था। सो दे स्टार्टेड फाइटिंग विद ईच अदर। इवेंचुअली प्रिंस मुअज़्ज़म गेन द रूल एंड ही स्टार्टेड हिज लीडरशिप, लेकिन कुछ ही अरसे में प्रिंस मुअज़्ज़म को ओवरथ्रोन कर दिया गया एंड जहांगीर शाह रीगेन द कंट्रोल। जहांगीर शाह वॉज किल्ड एंड देन मोहम्मद शाह रीगेन द मुगल एम्पायर। मोहम्मद शाह रूल्ड फॉर गुड 30 ईयर्स एंड देन अहमद शाह बिकेम द एम्परर। अहमद शाह को बेसिकली अहमद शाह तो रानी लेकर आए थे। अहमद शाह के बाद उनका बेटा आलमगीर टू के बाद शाह आलम टू, देन अकबर टू, एंड देन लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर, who was executed, who was exiled by British, and his sons were executed by British in 1858 after the War of Independence. Okay, so back again to the rebellions. Aurangzeb ne aur empire ke kuch policies ne kafi logon ko mauke diye empire pe attack karne ke aur apna rule establish karne ke. जैसे कि लोकल लीडर्स जो लैंडलॉर्ड्स थे, ज़मींदार थे जिनके पास ज़मीनें थी, एग्रीकल्चरल लैंड्स थे, ड्यू टू द करप्शन इन द टैक्स डिपार्टमेंट वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते गए। उन्होंने टैक्स डिपार्टमेंट से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट से अपना एक वो कर लिया, एक एग्रीमेंट कर लिया, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, टैक्स नहीं पे करते थे, और अपने जो पीजेंट्स थे किसान तो उनको दबाते थे, उनसे सारा टैक्स निकलवाते थे, उनको प्रॉफिट्स कम देते थे, थोड़े पैसे डिपार्टमेंट्स को भी खिला दिया करते थे। इससे क्या हुआ, उनका जो रूल था, जो जमींदार थे, जो लैंडलॉर्ड्स थे, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने लगे। और चूंकि औरंगजेब और बाकी के मुगल एम्पायर्स दूसरे चीज़ों में इतना बिजी रहते थे, सक्सेशन डिस्प्यूट्स में या लैंड एक्सपेंशन में, कि वो इस चीज़ को नहीं देख पाए और उन्होंने ओवरलुक कर दिया। फिर मनसबदारी सिस्टम भी फेल हो गया था, तो ये ज़मींदार्स और ये जो लैंडलॉर्ड्स थे, इन्होंने अपना जो एक अपनी जो कदम थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिए और अपने आप को पेनिट्रेट कर लिया जो लोकल लैंड्स थे वहाँ पे, और अपनी पावर इस्टेब्लिश कर ली। लोग इनको फॉलो करने लगे मुगल एम्पायर से ज़्यादा। दूसरा, जो प्रोविंशियल गवर्नर्स थे, प्रोविंस के गवर्नर्स थे, जो नवाब थे, उन्होंने अपने अपने प्रोविंस में अलग अलग अपना रूल कर लिया। जैसे नवाब ऑफ बंगाल थे, ये नवाब ऑफ ओद थे, इनके बड़े बड़े प्रोविंस थे, इनके लिए अपनी टैक्स कलेक्शन भी काफ़ी होती थी और काफ़ी इनकी पॉपुलेशन थी, तो इन्होंने अपने आप को, अपनी पॉलिसीज़ को एम्पायर से अलग कर लिया। वहाँ पर मुगल एम्पायर्स को प्रॉब्लम हुई। फिर जो प्रिंसली स्टेट्स, जो राजा महाराजा पहले बहुत ज़्यादा लॉयल्टी शो करते थे मुगल एम्पायर से, आफ्टर डिक्लाइन और जब प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हुई तो इन्होंने भी अपनी लॉयल्टी जो है वो इनकी भी कम होना स्टार्ट हो गई। द प्रॉब्लम वॉज के लिए जितने भी प्रिंसली स्टेट्स थे वो बहुत इनएक्सेसिबल एरियाज में थे, दूर दूर थे, कश्मीर ये वो काफ़ी दूर दूर के एरियाज थे, तो जो मुगल एम्पायर्स थे वो अपनी जगहों को नहीं प्रॉपर देख पा रहे थे, एडमिनिस्टर कर पा रहे थे, तो इन एरियाज को देखना तो और ज़्यादा मुश्किल था। तो जमींदार स्ट्रॉन्ग हो गए, नवाब्स, प्रोविंशियल गवर्नर स्ट्रॉन्ग हो गए, इन्होंने अपना रूल एस्टेब्लिश कर लिया। फिर लोग जो प्रिंसली स्टेट्स थे वहाँ पे अपना डिफरेंट, उनका इंडिपेंडेंट हो गए वो लोग। देन मराठास भी, अगर अर्ली स्टार्टिंग के मराठास मुसलसल लैंड एक्सपेंशन कर रहे थे। गोकल में जट्स थे, मेवाड़ में सतनामीज थे, सिख मराठास को फुली सपोर्ट कर रहे थे,
तो डिफरेंट डिफरेंट इंटरनल अंदर ही एम्पायर के अंदर इतनी ज़्यादा रिबेलियन जो है वो स्टार्ट हो गई थी और जो है एक रेवोल्यूशन आ गई थी और मुगल एम्पायर जो वो एक जो एम्परर जो रूल करता था वो यूज टू रूल द होल एम्पायर और जो उसका एक कंट्रोल था सेंट्रल कमांड थी पीपल यूज टू फॉलो देम ठीक है एक डर था वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगी क्योंकि हर कोई अपना अपना इंडिपेंडेंट रूल स्टेब्लिश करने लगा जहाँ जिसको मौका मिला. उसके अलावा सिर्फ जो प्रॉब्लम्स थी मुगल एम्पायर की उसने सिर्फ इंटरनल्स जो इंटरनल होते उनको सिर्फ मौका नहीं फराहम किया बल्कि जो बाहर के थे जो एक्सटर्नल इन्वेडर्स जो कहलाते हैं ठीक है जो बाहर से दूसरी कंट्रीज से इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आए और उन्होंने वहाँ पे आकर अपना रूल इस्टेब्लिश करने की कोशिश की या एम्पायर को लूटने की कोशिश की और लूट कर चले गए. जिनमें से सबसे पहले नादिर शाह. नादिर शाह वॉज अ पर्शियन लीडर. He did not wanted to establish his rule in the Mughal Empire. No, he just wanted to gain the jewelry, booty, money from the Mughal Empire. Kohinoor diamond, जो के empire emperor के पीछे जो उसका peacock throne था, जो बनाया था औरंगजेब ने और उसमें एक diamond था जो नायाब, वो सब चीजें उसपे नजर थी Persians की. और वो सिर्फ वो चाहते थे कि हम मुगल मतलब वो सिर्फ एक establish करना चाहते थे point. कि मुगल्स इतने वीक हो गए हैं कि हम उन्हीं की टेरिटरी में घुसकर उनको लूट कर वापस निकल कर आ सकते हैं एंड दे कांट डू एनीथिंग वो हमें कुछ नहीं वो कर सकते. और वही हुआ 1738 में नादिर शाह आए. नादिर शाह ने लाहौर दिल्ली इन सब जो आपका कैपिटल था जो औरंगजेब ने बना दिया था कैपिटल दिल्ली को वहाँ पे उन्होंने कैप्चर किया वहाँ की लैंड्स को कैप्चर किया वहाँ पे 2 से 3 महीने रुके वहाँ की सारी चीज़ों को लूटा लूटमार मचाई सब चीज़ें ली और उसके बाद वापस जो है वो अपने पर्शिया वापस चले गए. ये एक बहुत ज़्यादा एक डिग्रेडिंग और एक जो है वो डिसप्लीजिंग एक बात थी मुगल एम्पायर और मुगल एम्पायर्स के लिए कि उनका कंट्रोल इतना वीक हो चुका था कि बाहर से कोई भी आकर उनकी चीज़ों को लेकर और वापस चला गया एंड दे कुडंट डू एनीथिंग और वो कुछ नहीं कर पाए इतना जो है वो वीक हो चुके थे उस टाइम पे. दूसरे थे अफगान जनरल द फेमस अहमद शाह दुर्रानी और अहमद शाह अब्दाली ठीक है बहुत मशहूर जनरल थे बहुत ज़्यादा फोर्सफुल बहुत ज़्यादा कमांडर क्वालिटीज थी. अगर तुम लोगों ने पढ़ा हो रिलीजियस रिफॉर्मर्स के बारे में तो हम याद हो कि शाह वलीउल्लाह ने भी वो ख़त लिखे थे और मराठास के अगेंस्ट उनको बुलाया था. तो अहमद शाह दुर्रानी बेसिकली अफगान थे ठीक है और ये इन्हीं के डिसेंडेंट्स में थे और ये 1747 में आए इंडिया काबुल पेशावर लाहौर दिल्ली इसको इन्होंने कैप्चर किया. 1749 में इन्होंने पूरे पंजाब को कंट्रोल किया. 1756 में इन्होंने कश्मीर को कंट्रोल किया अपने कब्जे में किया और फिर उसके बाद 1767 में इन्होंने फेमस थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी विद मराठास. और वीकनेस ऑफ मुगल एम्पायर कैन बी सीन थ्रू दिस फैक्ट दैट मराठास वर डिफीटेड बाय अहमद शाह अब्दाली इन 1761 और मुगल्स ने अभी तक औरंगजेब का टाइम 1707 से लेकर खड़े हैं हम 1761 और मुगल्स और मराठास अनडिफीटेड हैं अभी तक मराठास को डिफीट नहीं किया गया है और वो मुसलसल अपना जो लैंड है वहाँ पर उन्होंने कैप्चर किया हुआ है और उनके कंट्रोल में. अहमद शाह अब्दाली ने हाउएवर 1761 में डिफीट किया लेकिन कहते हैं कि अहमद शाह अब्दाली वॉज नॉट लस्टी और उनको पावर में पावर कंट्रोल करने में या बहुत कोई एम्पायर को वो करने में इतना कोई इतना इंटरेस्ट नहीं था. उन्होंने दिल्ली अहमद शाह को वापस किया वहाँ पे अहमद शाह का कंट्रोल इस्टेब्लिश किया और जो मराठास के लैंड थे उन्होंने वो मराठास को वापस ये कहते हैं कि जो उस टाइम का शिवाजी था उसकी उसकी एक उसकी टेक्निक्स और उसकी जो एक लॉयल्टी थी टुवर्ड्स इस एम्पायर को अहमद शाह अब्दाली को बहुत पसंद आई. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग बैटल ऑफ पानीपत ज़रूर देखना. ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अच्छी मूवी बनाई है उसमें पूरा ज़्यादा बताया अगर टाइम मिले तो ज़रा देख लेना. ये नहीं कि लेके बैठ जाना और वही देखते रहना बिकॉज सी आईज़ करीब है ठीक है थोड़ा सा टाइम निकाल के कुछ क्लिप्स वगैरह देख लेना. खैर तो अहमद शाह दुर्रानी ने उसके बाद अहमद शाह दुर्रानी ने नहीं वो किया ज़्यादा अपने रूल को एक्सपेंड नहीं किया और वो वापस चले गए थे अफगान. अब आते हैं ये छोड़ते हैं टॉपिक यूरोपियंस का क्योंकि इवेंचुअली इन्होंने पूरे मुगल एम्पायर पर कब्जा किया. थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स जो औरंगजेब से हुई जो जनरल प्रॉब्लम्स जो जनरल रीजन से मुगल एम्पायर के डिक्लाइन थे जिसमें लोग मतलब ये नहीं कि किसी ने अटैक किया कुछ किया जो एक जो प्रॉब्लम्स थी एम्पायर के अंदर जो औरंगजेब के बाद ज़्यादा बढ़ गई ठीक है फॉलोइंग करी ना औरंगजेब या औरंगजेब के सक्सेसर्स ने इन चीज़ों को ओवरलिक किया वो क्या रीजन से जिनकी वजह से मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ था.
एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एम्पायर बहुत बड़ा था. एम्पायर के अंदर 10 तरह के लोग थे, बहुत ह्यूज एम्पायर था. कोने कोनों पे छोटे छोटे एरियाज में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, लोगों की क्या नीड्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, कहीं लैंडलॉर्ड्स उनको तंग तो नहीं कर रहे, कहीं पर्शियंस ने आके वहाँ पे अटैक तो नहीं कर दिया है, या प्रिंसली स्टेट्स में क्या हो रहा है, कोई आइडिया नहीं था मोगल एम्पायर्स को. ना एम्पायर्स को आइडिया था, ना उनके मनसबदारों को आइडिया था, और ना ही उनके उनको जो उनके मिलिट्री के बंदे थे उनको आइडिया था. तो एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी. पूरे एम्पायर में डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में क्या हो रहा है किसी को कुछ पता ही नहीं था. अब व्हाट्सएप, न्यूज़ चैनल्स, हमारे पास फेसबुक, ये सब चीज़ें तो थी नहीं. अभी पाकिस्तान इतना बड़ा है, ठीक है, बलूचिस्तान के छोटे छोटे एरियाज में भी कितनी चीज़ें हो रही होती हैं. जब हम देखते हैं टीवी में तो हमें रियलाइज होता है कि अच्छा ऐसा भी कुछ होता है, मतलब हमें तो पता ही नहीं. और वो भी समझो कि वो पूरे जो हो रहा है उसका एक वो 5-10% वो हम चैनल्स पे देखते हैं. और भी पता नहीं क्या क्या अंदर अंदर इलाकों में क्या क्या चीज़ें हो रही हैं हमें नहीं पता, जबकि इतनी ज़्यादा रेवोल्यूशन आ गई है टेक्नोलॉजी के अंदर और डिजिटल वर्ल्ड इतनी हो गई है स्टिल, ठीक है. तो थिंक अबाउट दैट टाइम, आज से कितने साल पहले, इतनी सेंचुरीज पहले, जब ये सब कुछ भी नहीं था, उस टाइम पे पूरे इतने बड़े एम्पायर को रूल करना, उसको एडमिनिस्टर करना, इट वॉज वेरी डिफिकल्ट. और एम्पायर्स को बहुत कॉन्सेंट्रेशन और बहुत ज़्यादा एक वो चाहिए थी कि वो उस पर लगे रहते. लेकिन उन्होंने क्या किया, वो और ज़्यादा एक्सपेंशन और आपस के लड़ाई झगड़े और सक्सेशन डिस्प्यूट जो हम पढ़ चुके हैं कि आपस में एक दूसरे से फाइट करने के, हम बस बन जाए रूलर, बन जाए रूलर, बनने के बाद क्या करना है क्या नहीं करना, एम्पायर को कैसे चलाना है क्या नहीं चलाना, उसकी कोई उनको इम्पोर्टेंस नहीं है. बस एम्पायर बनाना है अपने आप को और एस्टैब्लिश करना है अपना रूल. मेन फोकस सबका वही था और उसने एम्पायर को डिक्लाइन की तरफ लीड किया. फिर उसके बाद क्या हुआ, प्लेजर सीकर, जितने भी ये सारे लोग आप देख रहे हैं, जहांगीर शाह, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, ठीक है, ये सब अपने मतलब प्लेजर सीकिंग नेचर के, जितने भी ट्रेजरी है उसको दोनों हाथों से उड़ाओ, एक एक टाइम पे 100-100 तरह के खाने, सिल्क, फाइन सिल्क क्लोथ्स पहन रहे हैं, ठीक है. औरंगजेब ने अपने नमाज पढ़ने के लिए एक पूरी प्राइवेट मॉस्क बना दी, शाहजहां ने अपनी बीवी की मोहब्बत में पूरा ताजमहल बना दिया, पूरी ट्रेजरी ख़त्म कर दी, ठीक है. इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, रोड्स बन रही हैं, फैक्ट्रीज हैं कि नहीं है, लोगों के पास जॉब्स हैं कि नहीं है, इसकी किसी को फिक्र नहीं है, ठीक है. अपने अपने अपनी प्लेजर सीकिंग के लिए और अपनी अयाशियों के लिए अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हैं, सिंगिंग एंड डांसिंग हो रही है, ये हो रहा है, ठीक है. अपना अपनी आर्ट्स और अपनी उसके लिए जो है वो लोग खर्च कर रहे हैं. मशहूर है ना मुगल आर्किटेक्चर के लिए, आर्ट्स के लिए, लेकिन पैसे भी तो लगते हैं उस चीज़ के लिए. वो पैसे कहीं और चीज़ों में खर्च कर लेते, उन पैसों से मिलिट्री की जो है वो करवा लेते, ट्रेनिंग करवा लेते, मिलिट्री को अपडेट कर लेते, नए वेपन्स ले लेते, तो मराठास से भी फाइट कर लेते, सिख के अगेंस्ट भी फाइट कर लेते, बाद में ब्रिटिश आए थे, अहमद शाह अब्दाली आए थे, सबसे लड़ लेते. लेकिन मिलिट्री भी वीक हो गई, ठीक है, क्योंकि मिलिट्री के एक्सपर्टीज उनको मुसलसल अपडेट होने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है. नई नई चीज़ें दुनिया में इंट्रोड्यूस होती रहती हैं, लेकिन हम इतने ज़्यादा लेजी और वो हो गए, हमें लगा ये तो हमारा रूल है, हम तो चलते ही रहेंगे, बस रूल मिल गया तो मिल गया, क्या ज़रूरत है अपडेट होने की. इसकी वजह से हम स्टार्ट नहीं कर पाए. जब बाहर की फोर्सेज आई, हम उनके सामने जो है डीले बढ़ गए. फिर मिलिट्री कॉस्ट, इतने ज़्यादा पैसे लगते हैं एक्सपेडिशंस में. अगर आप पूरी मिलिट्री को लेकर जा रहे हो, कभी आप मराठा से फाइट कर रहे हो, कभी आप इनसे फाइट, अफगान से फाइट कर रहे हो, कभी आप उनके प्रिंसली स्टेट्स के अगेंस्ट आर्मी भेज रहे हो, अजबकिस्तान, ताजिकिस्तान आर्मी भेज रहे हो, मिलिट्री कॉस्ट ने एम्पायर को बिल्कुल वीक कर दिया. और जितना भी एम्पायर का फाइनेंस था, एक तो वो प्लेजर सीकिंग की नज़र हो गया, दूसरा वो मिलिट्री एक्सपेडिशंस की और रिबेलियंस को पुट डाउन करने की नज़र हो गया, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन आ गई, प्रॉब्लम्स आ गई इकनॉमी के अंदर, लोग गरीब होने लग गए, लोग जो है वो उनके अंदर जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी आने लगी, और वहाँ दूसरे लोगों को मौका मिला एम्पायर के अंदर अपने कदम जमाने का. फिर सक्सेशन हम पढ़ चुके हैं किस तरीके से बेटे आपस में फाइट करके और फिर उनकी वजह से एम्पायर बनना चाहते थे. वीक कंट्रोल फ्रॉम द सेंटर. जब फॉर एग्जांपल औरंगजेब था, जैसा भी था, उसकी पर्सनालिटी स्ट्रांग थी, उसकी उसको लोग देखते थे, उसकी बात को मानते थे, उससे डरते थे. उसके बाद ये जितने भी एम्परर्स आए, इनका कंट्रोल इतना स्ट्रांग नहीं था. इनको जो है ना वो मतलब सबने अपने अपने अलग रूल इस्टेब्लिश कर लिए थे, तो वो एक सेंट्रल कंट्रोल नहीं था, वो एक कोई कमांड नहीं थी जो जिसके सब फॉलो करें. हर कोई अपनी अपनी मर्जी से एम्पायर में अपना अपना राज चला रहा था. और मुगल एम्पायर की जो सल्तनत थी ना वो बहुत लिमिटेड हो गई थी दिल्ली और उसके आसपास.
और फिर उसके बाद वो भी आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती चली गई. तो जो सेंट्रल कंट्रोल था वो बहुत वीक हो गया था, जिसकी वजह से मुगल एम्पायर डिक्लाइन की तरफ गया. तो ये सारे रीजंस भी ऐड करते हैं मुगल एम्पायर की डिक्लाइन को. इन सब का फायदा, इन सब का जो एक मैच्योर रिबेलियंस इंटरनल एक्सटर्नल, औरंगजेब के प्रॉब्लम्स, औरंगजेब के सक्सेसर्स का प्रॉब्लम, इन सब का फ़ायदा उठाया एक फोर्स, ब्रिटिश और यूरोपियंस, जिन्होंने ये सब देखकर कि किस तरीके से किसको कैसे मैनेज करना है, अपना दिमाग लड़ाकर अपनी टेक्टिक्स अपनी डिप्लोमेटिक स्किल्स को यूज़ करके, सबसे पहले तो वो आए ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू. एक प्राइवेट कंपनी थी, ट्रेडिंग के बहाने 1615 में जहांगीर ने उनको एंट्री दी और वो मुगल एम्पायर में आ गए. आहिस्ता आहिस्ता ट्रेडिंग के बहाने उन्होंने अपने कदम मजबूत किए. जब उन्होंने देखा कि एम्पायर इतना वीक हो रहा है, सक्सेशन डिस्प्यूट्स हैं, रिबेलियंस हैं, पर्शियंस ने एम्पायर की ट्रेजरी लूट ली है, अहमद शाह अब्दाली ने मराठास को डिफीट कर दिया है, उन्होंने इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठाना स्टार्ट किया. एंड दे स्टार्टेड डूइंग देयर लैंड एक्सपेंशन. और फिर आहिस्ता आहिस्ता 100 ईयर्स के अंदर वन बाय वन करके यूरोपियंस ने 17th सेंचुरी में स्टार्ट किया था, एंड बाय द एंड ऑफ 19th सेंचुरी दे गेन द होल मुगल एम्पायर. पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट, चाहे वो पाकिस्तान वाला पार्ट हो चाहे वो इंडिया वाला पार्ट हो, पूरा का पूरा जो मुगल एम्पायर था वो ब्रिटिश ने अपने कंट्रोल में कर लिया. और लास्ट में फिर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई, जो मुगल्स ने इंडियंस ने मिलकर, हिंदूज और मुसलमानों ने मिलकर उसको क्या कहते हैं अपनी ज़मीनों को वापस लेने की कोशिश की, बट दे वर फेल्ड अगेंस्ट इट. और 1858 में पूरा जो इंडिया था वो ऑफिशियली जो है वो ब्रिटिश के अंडर कंट्रोल में चला. तो ये सारे रीजंस हैं, दे आर कैटेगराइज्ड डिफरेंटली. क्वेश्चंस किसी भी तरीके से आ सकते हैं. तुम लोगों से ये भी पूछ सकते हैं कि व्हाई मुगल एम्पायर डिक्लाइन आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब, ठीक है? तो यू नो इन 7 मार्क्स वी एक्सप्लेन 3 रीजंस थरली, ठीक है? 3 पैराग्राफ्स 3 रीजंस. तो इनमें से कोई भी हम 3 रीजंस एक्सप्लेन कर देंगे. दे कैन आस्क व्हाई मुगल एम्पायर डिक्लाइन ड्यू टू एक्सटर्नल इन्वेडर्स, 3 पैराग्राफ्स ऑफ पर्शियंस अफगान्स एंड यूरोपियंस को कर देंगे. व्हाई मुगल एम्पायर डिक्लाइन ड्यू टू इंटरनल रिबेलियंस, तो इसमें सारे लोकल लीडर्स जमींदार मराठास आप इनका रेफरेंस देंगे, ठीक है? 4 मार्क्स में आपके पास हुवर पर्शियंस, हु वाज नादिर शाह, व्हाट वाज EIC, व्हाट वाज थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, या फिर जो है वो इस तरीके से आपके पास क्वेश्चंस, व्हाट वाज मनसबदारी सिस्टम, इस तरह के सवाल आ सकते हैं. 4 फैक्ट्स आपने लिखने होते हैं. और 14 मार्क में एक जनरल क्वेश्चन आएगा. इट विल बी लाइक अ समरी ऑफ द होल चैप्टर. दे विल आस्क यू लाइक, वॉज द अराइवल ऑफ ब्रिटिश द मेन रीजन फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर? डू यू अग्री और डिसअग्री गिव रीजन फॉर योर आंसर. और दे विल गिव यू के वर द एक्सटर्नल इन्वेजन वॉज द मेन रीजन बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर? डू यू अग्री और डिसअग्री गिव रीजन फॉर आंसर. नाउ वट विल यू डू? You will explain, first you will explain the reason written in the question, the statement which is given to you by the examiner, okay? Ke external invasion, ya arrival of the British, ya pleasure seeking nature, ya succession dispute. You will explain it thoroughly. Aur, aap logon ko main pehle bhi bahut dafa bata chuki hoon ke explanation jab aapne karni hai beta, so you have to link the whole topic to the question. If the examiner is asking the reason for the decline of Mughal Empire and you are writing ha there were succession dispute and succession dispute ki wajah se jo hai wo Mughal Empire decline hua, Shah Jahan ke bete ladne lag gaye the charo aapas mein, Aurangzeb ke bete ladne lag gaye the charo, this will not be accepted. Kyunki ye reason to nahi bata raha, bete ladne lag gaye the, paisa waste ho raha tha, टाइम वेस्ट हो रहा था, इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ की डेथ हो रही थी, जिसकी वजह से वो चीज़ें एम्पायर के एडमिनिस्ट्रेशन में लग सकती थी, इसलिए एम्पायर उनकी वजह से वीक हुआ. पूरा लिंक करके आपने एक्सप्लेन करना है टॉपिक, ठीक है? जस्ट बाय स्टेटिंग द फैक्ट कि ऐसा हुआ विल नॉट गिव यू क्रेडिट, विल नॉट गिव यू मार्क्स. यू हैव टू एक्सप्लेन इट फुली कि इसकी वजह से ऐसा हुआ जिसकी मुगल एम्पायर डिक्लाइन की तरफ गया, ठीक है? तो पहले यू विल एक्सप्लेन द रीजन व्हिच इज गिवन टू यू बाय एग्जामिनर, एंड देन यू विल एक्सप्लेन 5 मोर रीजंस एनी, ठीक है? देयर आर अ लॉट ऑफ रीजंस बिहाइंड द डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर. सो यू विल एक्सप्लेन 5 मोर रीजंस एंड देन यू विल गिव योर कंक्लूजन, ठीक है? और वो भी जस्टिफाइड, सही. बाकी हम एक लाइव सेशन करते हैं जिसमें हम इसको मोर डिस्कस करेंगे. इसको अच्छे से पढ़ लो बुक से. नाइजल केली का पेज नंबर है, वेट लेट मी टेल यू, नाइजल केली का पेज नंबर 12 है, ठीक है? और इसके अलावा नोट्स में ये दिया हुआ है, फर्स्ट चैप्टर है जो हमारी हिस्ट्री की बुक 2 है उसमें, ठीक है? जो सेक्शन 1 वाले नोट्स हैं उसमें से इसको पढ़ लेना, फिर हम एक लाइव सेशन में करके इसको फर्दर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? थैंक यू.